combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest, engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello everyone, good evening to all of you, good evening. एक बार सर लोग जरा बता देंगे, ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर? आई एम विजिबल, सारा कुछ परफेक्ट है क्या? यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. एक बार सर लोग जरा बता देंगे, सब कुछ परफेक्ट है? यस, ओके, गुड इवनिंग. सो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसकी? ह्यूमिडिफिकेशन की. ठीक है, आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ह्यूमिडिफिकेशन. राइट, ह्यूमिडिफिकेशन की आप लोगों ने कल जो बात कर ली थी, कंप्लीट ड्राइंग की बात कर ली थी. कल वाले सेशन में हम लोग पूरी कंप्लीट ड्राइंग की बात कर ली थी. जिन लोगों ने नहीं देखा है कल वाला सेशन देख लेंगे, ड्राइंग की पूरी कंप्लीट बात कर ली थी. ठीक है, यस, न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं वो मैं ऐप के थ्रू आपके कवर करवा दूंगा. नाउ आज हम लोग बात करेंगे किसकी? ह्यूमिडिफिकेशन की. ठीक है, चलो तो मैं यहाँ से सेशन को स्टार्ट करता हूँ. तो जो हमको पहली बार देख रहे हैं तो जस्ट मैं बता देता हूँ, आई एम मनीष राजपूत एंड दिस इज द माई टीचिंग एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स एंड दिस इज द माई सब्जेक्ट, यू कैन सी दैट एंड दिस इज द माई कोड. सर मेरा फर्स्ट लेक्चर है, समझ में आएगा क्या? किस ईयर में हो आप? इनकेस थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हैं तो बिल्कुल समझ में आएगा. ठीक है, अदरवाइज आप कंप्रेहेंसिव लेक्चर और इसको भी फॉलो कर सकते हैं. जस्ट आप थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में हैं तो आपको हो सकता है दिक्कत हो. ठीक है, एक बार आपने कहीं पे पढ़ा है ह्यूमिडिफिकेशन तो आप लोग इजीली तरीके से समझ लेंगे. इन केस नहीं भी पढ़ा है तो एक बार ट्राई करो समझने का. ठीक है, समझ में आ जाता है वेल एंड गुड, नहीं समझ में आता है फिर से कोशिश करो. ठीक है, बस गिव अप नहीं करना है. राइट अमित, चलो यहाँ से जस्ट मैं बात करूँगा. यहाँ से जस्ट मैं बोलूँ कि प्लस और आइकोनिक के लिए. ठीक है,
प्लस और आइकोनिक के लिए जो लोग भी प्लस और आइकोनिक हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं, तो प्लस में क्या क्या हम लोग प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, क्रैश कोर्स प्रोवाइड करते हैं, वीकली टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस भी आप लोगों के बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, जिसमें मेरा सब्जेक्ट एक स्टार्ट होगा आईपीसी, तो आप लोग रैंक इंप्रूवमेंट बैच में देख सकते हैं। नाउ आइकोनिक की जस्ट मैं बात करूंगा, तो प्लस के साथ जितना भी पार्ट आपको मिलता है वो सारा आपका इंक्लूड होता है, ठीक है। यहाँ से आपको एक्स्ट्रा पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनल टेस्ट, और यहाँ पे आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दिस द अबाउट प्लस एंड आइकोनिक। जब भी आप प्लस एंड आइकोनिक लेते हैं तो आपको वहाँ से 10% का डिस्काउंट चाहिए होगा, तो आप मेरे अंडर काम करना चाहते हैं तो जो मेरा कोड है दैट इज द MR100, तो आप इसके साथ मूव कर सकते हैं, ठीक है। चलो नाउ यहाँ से जस्ट मैं बात करूँगा, दिस इज द स्पेशल प्राइस भी। तो अभी करंट में जो लोग भी प्लस ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जो लोग भी प्लस ज्वाइन करेंगे, आइकोनिक ज्वाइन करेंगे, तो उनके लिए बेहतरीन ऑफर है, ठीक है, इस वीक का, ठीक है, आप लोग बोल सकते हैं इस ईयर का ये बेहतरीन ऑफर चल रहा है, जो कि आपको 20% मतलब रिड्यूस, जो आपकी फीस आपकी 29 अभी तक लग रही थी, आपको जो 29 लग रही थी फीस, वो 3,000 रुपये कम होकर आपको 26,000 के आसपास आपको पड़ेगा, ठीक है। तो 10% और रिड्यूस हो जाएगा इफ़ यू आर यूजिंग माई कोड, ठीक है, आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको फाइनल इतना पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो करंट फीस है वो 32,000 है, 32,000 का आपको 26,000 में मिलेगा, ठीक है। इन केस आप ये ड्यूरेशन, ये जो ऑफर है वो लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो आप लोग इस पीरियड के ड्यूरेशन आप ज्वाइन करते हैं तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा, जो लोग S22 को टारगेट कर रहे हैं वो लोग 3+1 मंथ के साथ भी जा सकते हैं। यस, एक और इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो कि दिस लेक्चर बहुत दिनों से अवेटेड था, बहुत दिनों से डिमांड थी। मैंने आपको अप्रैल जून में ही बताया था कि मैं इसको नवंबर में कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मेम्ब्रेन सेपरेशन एक यूनिट है, ठीक है, एक सब्जेक्ट नहीं है, पहले तो एक क्लियर होना चाहिए, दिस इज नॉट सब्जेक्ट, दिस इज द वन यूनिट, ठीक है ना, जो कि पिछले साल ऐड हुई है, ठीक है। तो इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है कि मैं सर मेम्ब्रेन सेपरेशन, ठीक है, हाँ ठीक है, मेम्ब्रेन सेपरेशन है, लेकिन ये एक यूनिट है, ठीक है ना, 2 नंबर देकर जाएगा आपको, 900 नंबर नहीं देकर जाएगा, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। तो 2 नंबर का आएगा मेम्ब्रेन सेपरेशन, इसको हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 महीने से बच्चे जो ये टॉपिक नहीं पढ़ा है इसके पीछे बहुत ज़्यादा परेशान थे, सर मेम्ब्रेन सेपरेशन नहीं हुआ, भाई साहब 98% मैंने सिलेबस करवा दिया, इसकी कोई किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है ना, 98% नहीं पढ़ेंगे, सर मेम्ब्रेन सेपरेशन पढ़ाओ। मुझे ऐसा फील होने लगा बीच में कि यार मेम्ब्रेन सेपरेशन है कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो 900 नंबर का गेट में आएगा, ठीक है, अब लो आ गया आपका नाम मेम्ब्रेन सेपरेशन, ठीक है, मेम्ब्रेन सेपरेशन भी आ गया, जो कि स्टार्ट होगा 16th of November। जब मेम्ब्रेन सेपरेशन चलेगा तो आप असली में मेम्ब्रेन सेपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, गेट के न्यूमेरिकल्स कैसे यहाँ से टैकल होंगे उसकी हम लोग बात करेंगे, जब भी हम लोग मेम्ब्रेन सेपरेशन की बात करेंगे, ठीक है। ये मेम्ब्रेन सेपरेशन इस सेशन का मैं पहली बार लेक्चर लूँगा, ठीक है, और मुझे लगता है जो भी अटेंड करेगा, ठीक है ना कहीं डिफरेंस पाएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो जिसकी डेट रहेगी 16 नवंबर, राइट, जिसकी डेट क्या रहेगी 16 नवंबर, यस, डिप्लोमा पास आउट, हाँ डिप्लोमा पास आउट है तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जिसकी डेट रहेगी 16 नवंबर तो डोंट वरी, ठीक है, इसी टाइम पे रहेगा आपका 15 तक ये पूरा आपका मास ट्रांसफर जितना भी हमने कंप्रेहेंसिव कोर्स में किया था उतना मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। चलो तो भाई साहब आ गया ना, ये देखो भैया जो भी मेम्ब्रेन सेपरेशन की जैसी भी हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सैंपल दे दिया, सर आपसे पढ़ने की इच्छा होती है इसलिए ये है, हाँ ठीक है। तो ये चीज मैं देख रहा हूँ, सर प्लीज एड जॉब्सन और एक्सट्रैक्शन का न्यूमेरिकल्स करा दो प्लीज, कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, यस निकोलस टेस्ला, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, अभी आगे आने वाला है, कल से आपका एडजॉप्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कल वाला सेशन अटेम्प्ट करना एडजॉप्शन का, एक भी क्वेश्चन आपका गेट का छूट जाए तो मुझसे कहना, कल वाले सेशन के बाद आप ये नहीं कह पाओगे कि सर मेरा ये एडजॉप्शन का क्वेश्चन छूटा हुआ है, A to Z 100% आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ से जस्ट हम लोग बात करेंगे आज किसकी, ह्यूमिडिफिकेशन की, ठीक है, आज हम लोग किसकी बात करेंगे यहाँ पे, ह्यूमिडिफिकेशन की, ठीक है। तो ह्यूमिडिफिकेशन से पहले मैं थोड़ा ड्राइंग वाले पार्ट को आपको रिकॉल करवा देता हूँ, क्योंकि एक अच्छी यूनिट है, तो जस्ट मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन हल्का सा करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो कल वाला जो लेक्चर था उसका हल्का सा रिकैप ले लो, ठीक है, जो ड्राइंग में जो महत्वपूर्ण इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है, आपने जो ड्राइंग की मैंने कल बात की थी, तो थोड़ा सा रिकैप मैं कर दे रहा हूँ कल वाले लेक्चर को, थोड़ा सा मैं रिकैप पहले कर रहा हूँ ड्राइंग की, जो ड्राइंग में आपको मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या क्या याद रखनी है,
ड्राइंग के लिए मैं यहाँ पे की पॉइंट्स लिख देता हूँ जो आपको एट द लास्ट याद रखने होंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको रेट ऑफ ड्राइंग पता होना चाहिए, माइनस का एस एस डिवाइडेड बाई ए डी एक्स अपॉन डी टी। एक तो इक्वेशन ये आपको पता होना चाहिए फर्स्ट। ठीक है, दूसरी इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टेंट रेट पीरियड के लिए टाइम की वैल्यू कितनी होगी, टी सी। टी सी इज इक्वल टू एस एस वाई ए एन सी इंटू एक्स आई माइनस का एक्स सी। ठीक है, एक तो ये बात आपको पता होना चाहिए। थर्ड वन आपको पता क्या होना चाहिए, थर्ड वन आपको फॉलिंग रेट के लिए टाइम कितना लगेगा वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फॉलिंग के लिए कितना टाइम लगेगा वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फॉलिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टी फॉलिंग का जो टाइम लगेगा एस एस वाई ए एन सी इन टू एक्स सी माइनस का एक्स इक्विलिब्रियम इन टू एल एन एल एन एक्स सी माइनस का एक्स इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाई एक्स फाइनल माइनस का एक्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसकी हम लोग बात करेंगे, इसकी हम लोग बात यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तीन बातें हैं जो कि आपको ड्राइंग में याद रखनी है सो दैट आपके दो नंबर कम से कम फिक्स हो जाएं। ठीक है, ड्राइंग छोटी सी यूनिट है, नंबर बहुत अच्छे देकर चली जाएगी। ठीक है, चलो नाउ एक ये आपकी महत्वपूर्ण इक्वेशन है और एक ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, ये तीन बातें आपको मिनिमम पता होनी चाहिए ड्राइंग के लिए। ठीक है, टोटल टाइम पूछा जाएगा तो टी सी प्लस टी एफ हो जाएगा, ड्राइंग रेट इनकेस कोई ग्राफिकल क्वेश्चन दे दिया है तो आप इस बेसिक इक्वेशन से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टाइम कैलकुलेट करेंगे। इनकेस स्टैंडर्ड फॉर्म की तरीके से क्वेश्चन उसने बना के दे दिया तो बिल्कुल आंख बंद करके ये दोनों इक्वेशन यूज कर सकते हैं, राइट, जैसा कि 2021 में किया गया था। फाइन, तो ये की पॉइंट्स आपको ड्राइंग में याद रखने हैं, ये की पॉइंट्स आपको ड्राइंग में याद रखने हैं। मेम्ब्रेन सेपरेशन का क्रैश कोर्स होगा या फुल कोर्स होगा तुम इसके चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, आपका जो मेम्ब्रेन सेपरेशन होगा, ठीक है, वो कंप्लीट मेम्ब्रेन सेपरेशन होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कंप्रेहेंसिव कोर्स में पढ़ा ही नहीं है, मैं पहली बार पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पहली बार पढ़ाऊंगा तो उसको मैं ढंग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ढंग से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत हो, सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो। जितना अभी आपने मास ट्रांसफर पढ़ा है इतना कहीं पर अवेलेबल नहीं हो सकता है, ठीक है ना, जितना हमने कंटेंट दे दिया है। ठीक है, अभी मैं करंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आने वाले हो सकता है टाइम पे कोई अपलोड कर दे तो बात अलग है, करंट के टाइम पे इतना मास ट्रांसफर इंडिया में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, आपको मैं बता रहा हूँ। तो बिल्कुल जस्ट भरोसा रखो, चीज़ें बिल्कुल अच्छी होंगी। ठीक है, अच्छी होंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। सर, डिस्टिलेशन 02 के बाद की वीडियो डिलीट हो गई है क्या? नहीं, डिस्टिलेशन भी बहुत पढ़ाया है हमने। ठीक है, आपने डिस्टिलेशन देखा होगा, हमने अभी बीच में मेरे को टाइम मिला था 10 दिन का तो उसमें मैंने डिजाइनिंग वाला पार्ट पूरा पढ़ा डाला। ठीक है, तो डिस्टिलेशन वाला भी पूरा, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। आईपीसी का क्रैश कोर्स करा दीजिए, यस रामकृष्ण, पहले ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए फिर आईपीसी का भी हम लोग सोचेंगे। ठीक है, पहले जो चल रहा है उसको करंट में अच्छे से फोकस कर लें। चलो फाइन, अब आज हम लोग जो बात करेंगे ह्यूमिडिफिकेशन की, तो नए पेज से हेडिंग सारे लोग डालेंगे ह्यूमिडिफिकेशन, सारे लोग नए पेज से हेडिंग डालेंगे ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन होता क्या है, व्हाट इज द ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन है क्या? ठीक है ना, सबसे पहले जो चर्चा वाली बात है वो व्हाट इज द ह्यूमिडिफिकेशन हेडिंग डालेंगे और दूसरी लाइन में लिख देंगे व्हाट इज द ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है ना, सारे लोग हेडिंग डाल देंगे व्हाट इज द ह्यूमिडिफिकेशन, न्यू डाल देंगे, चैप्टर नंबर 6 है ये, यूनिट 6 है। ठीक है, यूनिट 6 है ह्यूमिडिफिकेशन। सर, प्लस में मेम्ब्रेन सेपरेशन होगा, प्लस वाला यहाँ पे हो जाएगा, मैंने प्लस वाले बच्चों को बोल रखा है कि उनका कल आपका प्लस का मास ट्रांसफर पूरा खत्म हो रहा है। ठीक है, कल लास्ट लेक्चर होगा प्लस पे। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका मेम्ब्रेन सेपरेशन मैं करवाऊंगा। ओके, चलो व्हाट इज द ह्यूमिडिफिकेशन, सर लोग जरा बताएंगे ह्यूमिडिफिकेशन है क्या, सिंपल आपसे कोई पूछ दे ह्यूमिडिफिकेशन है क्या, व्हाट इज द ह्यूमिडिफिकेशन, बोलिए सर लोग। इट इज द टेक्निक टू मेजर द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर, ह्यूमिडिफिकेशन क्या है, एक टेक्निक है। ठीक है ना, इट इज द मेजरमेंट है किसका, वाटर वेपर का। इट इज द टेक्निक टू मेजरमेंट ऑफ द वाटर वेपर इन द वेपर गैस मिक्सर, वेपर गैस मिक्सर में कितना वाटर वेपर है उनकी टेक्निक है, टू मेजर द वाटर वेपर इन द वेपर गैस मिक्सर, तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, ये पूरा क्या है, एक टेक्निक है, राइट तो यहां पे हेडिंग डाल देंगे सारे लोग ह्यूमिडिफिकेशन इज द मेजरमेंट ऑफ द, इट इज द मेजरमेंट, इट इज द मेजरमेंट ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर और मॉइस्चर।
ठीक है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द वाटर वेपर और मॉइस्चर फ्रॉम वेपर गैस मिक्सचर, फ्रॉम वेपर गैस मिक्सचर, वेपर गैस मिक्सचर, वेपर गैस मिक्सचर में कितना अपना वेपर्स हैं या कितना आपका मॉइस्चर है, कितना आपका वाटर कंटेंट है, वो मेजर करने के लिए जो मेजरमेंट है उस मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस मेजरमेंट को क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये सर प्लीज HT भी करवा दीजिए। HT आपको नेक्स्ट सेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है, 23 में देखने को मिलेगा, अभी इस सेशन में तो नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको पढ़ना है तो आप प्लस ज्वाइन करो, ठीक है, प्लस पे हो सकता है मेरा HT आए नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, इस सेशन में तो अभी नहीं आ रहा है, राइट। आपको नेक्स्ट सेशन में एक से दो सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है, कौन कौन से मिलेंगे वो मैं आपको अपडेट करूंगा, ठीक है, चलो राइट। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि भैया ह्यूमिडिफिकेशन इज द टेक्निक टू मेजरमेंट ऑफ द वाटर वेपर, ठीक है। चलो सर, लोग छोटे छोटे कुछ टर्म होते हैं हमको बड़ा परेशान करते हैं कि व्हाट इज द सर ड्राई वेल्व टेम्परेचर, व्हाट इज द वेट वेल्व टेम्परेचर, व्हाट इज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। पूरे ह्यूमिडिफिकेशन पढ़ने के लिए आपको इन सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा, ठीक है, कि हमारा वेट वेल्व टेम्परेचर क्या होता है, ड्राई वेल्व टेम्परेचर क्या होता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, पहले इनको पढ़ लेते हैं। ये छोटे छोटे टर्मों को पहले हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। तो सर लोग पहले समझ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ह्यूमिडिफिकेशन आज मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, ये लिख लेंगे ड्राई वेल्व टेम्परेचर और वेट वेल्व टेम्परेचर। हेडिंग डालने से पहले सर लोग समझ लो है क्या, देखो व्हाट इज द ड्राई वेल्व टेम्परेचर। तो मैं सबसे पहले जो बात करूंगा किसकी बात करूंगा, ड्राई वेल्व टेम्परेचर। ड्राई वेल्व टेम्परेचर इज नथिंग बट इट इज द सिंपल टेम्परेचर ऑफ द एयर विच इज मेजर्ड बाय द सिंपल थर्मोमीटर, ठीक है। जो सिंपल ये थर्मोमीटर है, इससे मैंने सिंपल थर्मोमीटर से जो मैं एयर का टेम्परेचर यहां पे मेजर कर रहा हूं, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ड्राई वेल्व टेम्परेचर, इट इज नथिंग बट, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, ये सिंपल एयर का टेम्परेचर है। ड्राई वेल्व टेम्परेचर इज द सिंपल टेम्परेचर ऑफ द एयर विच इज मेजर्ड बाय सिंपल थर्मोमीटर, जो कि आप सिंपल थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं। जो सिंपल आपने थर्मोमीटर से मेजर किया, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ड्राई वेल्व टेम्परेचर, ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई चिंता वाली बात है ही नहीं, आराम से आप मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्राई वेल्व टेम्परेचर की बात खत्म हुई, नाउ अब आ जाते हैं वेट वेल्व टेम्परेचर। वेट वेल्व टेम्परेचर की बात बहुत ध्यान से समझनी है, ठीक है। वेट वेल्व टेम्परेचर, ड्राई वेल्व टेम्परेचर क्लियर हुआ, सिंपल एयर का टेम्परेचर, दैट इज द ड्राई वेल्व टेम्परेचर, नाउ वेट वेल्व टेम्परेचर। आप इस फिगर से बिल्कुल बहुत ही ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि वेट वेल्व टेम्परेचर क्या है। वेट वेल्व टेम्परेचर मेजर करने के लिए कि वेट वेल्व टेम्परेचर पहले निकालते क्यों है, ये हमको पता होना चाहिए कि सर हम ये टेम्परेचर निकाल क्यों रहे हैं वेट वेल्व, हमारा ड्राई वेल्व से काम चल गया। वेट वेल्व टेम्परेचर का यूज होता है कूलिंग टॉवर में, ठीक है। आप कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कूलिंग टॉवर, जैसा मैंने डिजाइन ऑफ द डिस्टिलेशन करवा दिया है ना, इसी तरीके से मैं डिजाइन ऑफ द कूलिंग टॉवर भी करवा दूंगा, ठीक है, कभी टाइम मिलेगा तो। तो वेट वेल्व जो टेम्परेचर है वो कूलिंग टॉवर में यूज किया जाता है। क्यों कूलिंग टॉवर में यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे कूलिंग मीडियम होता है आपका एयर, वहाँ पे कूलिंग मीडियम क्या होता है, एयर। एयर के थ्रू आप सब्सटेंस को कूल करते हो, ठीक है, कूलिंग टावर की मैं बात कर रहा हूँ। अब एयर किसी सब्सटेंस को कितना कूल कर सकती है वो डिपेंड करेगा उस एयर का वेट वेल्व टेम्परेचर कितना है, ठीक है। एयर अपने वेट वेल्व टेम्परेचर तक ही किसी भी सब्सटेंस को कूल कर सकती है, तो वहां पे आपको जरूरत पड़ती है किसकी, वेट वेल्व टेम्परेचर, ठीक है। तो वेट वेल्व टेम्परेचर से कभी भी कम एयर का टेम्परेचर, सपोज कर लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है वेट वेल्व टेम्परेचर, तो उसकी वर्स्ट कंडीशन है कि वो किसी सब्सटेंस को 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही कूल कर पाएगी, इससे 24 नहीं हो पाएगा उस एयर से। एयर आप चेंज कर दो तो बात अलग है, ठीक। तो इस वजह से हम लोग वेट वेल्व टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं, उसके पीछे आपको रीजन आ गया समझ में। नाउ कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट द एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंटल है, एक थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल अभी आप साइकोमेट्रिक चार्ट में पढ़ेंगे चल के, एक्सपेरिमेंटल पहले मैं बता देता हूं, ठीक है। थ्योरेटिकल आपको कैलकुलेट करनी है तो साइकोमेट्रिक चार्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यस, वो एक अलग। इनकेस आपके पास साइकोमेट्रिक चार्ट नहीं है तब एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज साइकोमेट्रिक चार्ट बनाने के लिए भी एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, भैया साइकोमेट्रिक चार्ट इनकेस अवेलेबल है तो ठीक है, क्योंकि अवेलेबल है सब स्टैंडर्ड कंडीशन पर, ठीक है। साइकोमेट्रिक चार्ट जो अवेलेबल है वो सब स्टैंडर्ड कंडीशन पर अवेलेबल है, लेकिन आपकी पता नहीं कौन सी कंडीशन हो, तो इसका मतलब फिर आपको अपना खुद का साइकोमेट्रिक चार्ट डेवलप करना पड़ेगा, तो फिर इट्सेल्फ वन टाइप ऑफ द एक्सरसाइज इज देयर, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम लोग ये वाला भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यस। गेट के लिए आप वो चार्ट यूज कर लेना, इनकेस आप कभी हायर स्टडी के लिए जाते हैं तो खुद का आपको साइकोमेट्रिक चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। गेट के लिए जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको यूज कर लेना, ठीक है, गेट आपका निकल जाएगा। नाउ कम टू द योर दिस पॉइंट, वेट वेल्व टेम्परेचर। वेट वेल्व टेम्परेचर इट इज द एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल,
ये एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर है जो कि एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो देखो, अब इसमें एक्सपेरिमेंट क्या किया गया है इसको बहुत केयर से सुनिएगा। सपोज कर लो दिस इज द यू थर्मोमीटर, अभी मैं आप लोगों के कमेंट ले लूंगा, पहले मेरी बात सुन लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेटेबल टेम्परेचर क्या है कि आपका ये थर्मोमीटर है जिसका बल्ब मैंने वेटेड कर रखा है। मैं वेटेड किसी कपड़े से कर सकता हूँ, किसी में क्लॉथ से कर सकता हूँ, ठीक है ना, किसी भी वेटेड क्लॉथ से मैंने उसका जो बल्ब है वो मैंने क्या लगा रखा है, लपेट रखा है, राइट, किसी भी क्लॉथ से। अब उस क्लॉथ को मैंने डुबा रखा है किसी भी वाटर में, यानी कि क्लॉथ में जो वाटर वेपर कंटेंट है वो कम नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भैया रखे हो क्लॉथ है, अब क्लॉथ अपने आप वेपराइज होकर सूख गया, फिर एयर का ड्राइवल टेम्परेचर नहीं, वो वेटेबल टेम्परेचर नहीं, फिर वो ड्राइवल टेम्परेचर मेजर करने लगा। कंडीशन शुड बी कि जो आपने क्लॉथ लपेटा है उसके ऊपर जो उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है ऑलवेज रिमेन्स सेम, ठीक है। दैट इज वाई यू आर ऑलवेज डिप इनसाइड द वॉटर, आप वॉटर के संपर्क में इस क्लॉथ को रखते हैं, सो दैट जितना भी इवोपरेशन हो जाए, सपोज कर लो यहां से मैंने एयर को पास करवाया, ठीक है, तो जितना इवोपरेशन हो उससे वो वॉटर ले ले, समझ रहे हो। तो ये जो क्लॉथ लपेटा है उसका मॉइस्चर कम नहीं होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नाउ दूसरी पॉइंट, अब भैया सर ये तो चलो ठीक है, ये तो हमने समझ लिया, ये सेटअप आपने बता दिया अभी तक, अभी आपने क्या बताया हमको सर, सेटअप बता दिया कि ये बल्ब है इसके अंदर आप गीला कपड़ा लपेटेंगे और एयर पास करवा रहे हो, लेकिन इससे अभी तक हमको ये नहीं समझ में आया कि हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, अभी तक हमको ये नहीं समझ में आया कि वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होगा। तो वेट बल्ब टेम्परेचर जो होगा उसके लिए एयर पास कराओगे, एयर पास कराओगे तो यहां पे दो चीजें होंगी, एक होगा इवोपरेशन, ठीक है, एक यहां पे एक सेंसिबल हीट ट्रांसफर होगी और लेटेंट हीट, ठीक है ना, दोनों चीजें यहां पे पैरेलली, इवोपरेशन और वेपराइज दोनों चीजें एक साथ होंगी, ठीक, कंडेंसेशन भी होगा, ठीक है, और इवोपरेशन भी होगा। तो देखो यहां पे जो मैं बात करूंगा, जब आपने एयर को इसके ऊपर से पास करवाया, तो एयर क्या करेगा, सेंसिबल हीट इसको प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, सेंसिबल हीट टू राइज द टेम्परेचर, ठीक है। अब देखना सर लोग, आपने इसको तुरंत सेंसिबल हीट प्रोवाइड की तो इसका टेम्परेचर भैया राइज किया, टेम्परेचर राइज किया गया, सपोज कर लो ये टेम्परेचर यहां तक पहुंच गया, टेम्परेचर तुरंत राइज करेगा क्योंकि एयर ड्राई है, ठीक है, एयर ड्राई है तो टेम्परेचर तुरंत राइज करेगा क्योंकि ये विक था, ओके। अब देखो अब क्या होगा, एक कुछ टाइम तक ऐसा प्रोसीजर चलता रहेगा कि भैया कुछ टाइम तक इसका टेम्परेचर फ्लैक्चुएट करता रहेगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इसका जो टेम्परेचर है वो फ्लैक्चुएट करना बंद कर देगा, स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगा, क्या अचीव हो जाएगा, स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगा। तो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर इज कॉल्ड वेट बल्ब टेम्परेचर। स्टेडी स्टेट अचीव कब होगा, जब जो सेंसिबल हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, वो हीट उतनी ही हीट लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, ठीक है। स्टेडी स्टेट पर क्या होगा, सेंसिबल हीट जो कि आप एयर से प्रोवाइड कर रहे थे, सेंसिबल हीट विल बी इक्वल टू द किसके, लेटेंट हीट, ठीक है, जो हीट रिक्वायर्ड होगी इसको क्या, वेपराइजेशन करने के लिए, ठीक है, जो हीट रिक्वायर्ड होगी क्या, वेपराइजेशन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, ठीक है ना, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो वो हीट रिक्वायरमेंट होगी उतनी ही हीट सराउंडिंग से मिलने लगे, एट दैट कंडीशन योर टेम्परेचर इज कॉल्ड वेट बल्ब टेम्परेचर, इट इज द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर एट विच सेंसिबल हीट विल बी इक्वल टू द लेटेंट हीट। जहां पे सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट दोनों बराबर हो जाएंगी तो एक ऐसा टाइम आएगा जरूर जहां पे ये दोनों हीट क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, तो उस बैलेंस पे आपका टेम्परेचर फिर फ्लैक्चुएट नहीं करेगा, शुरुआत में फ्लैक्चुएट करेगा, एक स्टेडी स्टेट अचीव कर लेगा। तो वो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर क्या होता है आपका, वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक, वही आपका टेम्परेचर क्या होगा, स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, राइट। तो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड वेट बल्ब टेम्परेचर, बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है, सारे लोग मेंशन कर लेंगे, सारे लोग बात को लिख लेंगे। रेट ऑफ द इवोपरेशन विल बी रेट ऑफ द वेपराइजेशन, ठीक, सारे लोग इतनी बात आ गई समझ में, यस और नो, सारे लोग बताओ क्लियर हो गए दोनों टेम्परेचर, कि आपका ड्राइवर टेम्परेचर क्या है, वेट बल्ब, वेट बल्ब टेम्परेचर इज द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, बट दिस इज नॉट स्टेडी, दिस इज द सिंपल टेम्परेचर ऑफ द एयर, क्लियर, समझ में आ गई बात, यस और नो, सर लोग जरा बता देंगे, बात बिल्कुल मस्त तरीके से समझ में आ गई,
थोड़ा कमेंट वगैरह करते रहेंगे तो हमको आइडिया लगता रहेगा. यू आर रिसीविंग मोड राइट नाउ. एक और पॉइंट बचा हुआ है आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. एक और बचा हुआ है आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. मुझे लग रहा है आपके कमेंट मेरे पास काफी देर से आ रहे हैं क्या. नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे सारे लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भाई साहब अपना क्या होता है. व्हाट इज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. चलो यहीं पे बात कर लेते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है. इट इज द टेम्परेचर एट विच एयर जस्ट बिकम सैचुरेटेड. एयर अपनी कैसी हो जाए, सैचुरेट हो जाए. तो जैसे एयर आपकी सैचुरेट हुई तो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. ठीक है. टेम्परेचर एट विच एयर जस्ट बिकम सैचुरेटेड या आप लोग ट्वेल्थ आप लोग पढ़ के चले आ रहे हो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. टेम्परेचर एट विच फर्स्ट बबल फॉर्म सॉरी फर्स्ट ड्यू फॉर्म. टेम्परेचर एट विच फर्स्ट ड्यू फॉर्म दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. ठीक है सर लोग ये डेफिनेशन पढ़ते चले आ रहे होंगे. टेम्परेचर एट विच फर्स्ट ड्यू फॉर्म जहां पे आपकी फर्स्ट ड्यू फॉर्म होती है दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. एक तो ये आप डेफिनेशन पढ़ के आ रहे हो बिल्कुल सही बात है ये बिल्कुल सही बात है. दूसरी आप डेफिनेशन पढ़ेंगे टेम्परेचर एट विच योर एयर जस्ट बिकम सैचुरेटेड. टेम्परेचर एट विच एयर बिकम सैचुरेटेड. चलो लिख लो एयर बिकम सैचुरेटेड. इट मीन्स थर्ड पॉइंट इसमें लिखेंगे जैसे एयर आपकी सैचुरेट हो गई. यस फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द लिक्विड फॉर्म. यह भी बिल्कुल सही बात है. जैसे ये तुम्हारी लिखी है फर्स्ट ड्यू या लिक्विड फॉर्म एक ही चीज है. ठीक है फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द लिक्विड या फर्स्ट ड्यू फॉर्म. ठीक है बोथ लाइन आर सेम राइट. नाउ यहां से टेम्परेचर एट विच फर्स्ट ड्यू फॉर्म टेम्परेचर एट विच एयर जस्ट बिकम सैचुरेटेड. थर्ड कंडीशन याद रखेंगे सारे लोग न्यूमेरिकल पर्पस से. इसका मतलब एयर सैचुरेट हो गई तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू सैचुरेशन प्रेशर. पी ए पार्शियल प्रेशर बिकम किसके बराबर हो जाएगा पी ए सेट. ठीक है ना किस पे एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. एट ड्यू पॉइंट. ठीक है ना ड्यू पॉइंट पे क्या होगा पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू सैचुरेशन प्रेशर. नो वेट बल्ब टेम्परेचर सिंपल स्टेडी स्टेट टेम्परेचर दैट्स इट. ठीक है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जहां पे यार आपकी कैसी हो जाए सैचुरेटेड. ठीक वहां पे सैचुरेट हो गई इसका मतलब पार्शियल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा सैचुरेशन प्रेशर के बराबर एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. ठीक है थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखेंगे. ये सारे की पॉइंट हैं. ये सारे किसके की पॉइंट अबाउट रिगार्डिंग टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. नाउ थर्ड पॉइंट लिखेंगे सर लोग जरा सोच के मेरे को बताओ व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. एवरीवन यस सर लोग जरा बताएंगे व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. सर लोग कमेंट करके बताएंगे सोच के. रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी वन मतलब जहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी वन होगी इसका मतलब वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के अलोंग बात कर रहा होगा. ठीक है तो एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी वन. ये चार इंपॉर्टेंट की पॉइंट है सारे लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे रिगार्डिंग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. ठीक है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के रिगार्डिंग ये चार इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं सारे लोग अपनी कॉपी में मेंशन करेंगे. ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है RH. ये क्या है RH है गुरु दिस द RH. RH विल बी वन क्योंकि RH क्या होता है PA अपॉन PA सेट और दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए. RH अभी आप लोग पढ़ेंगे अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा. ओके इतने सारे लोग पहले पॉइंट्स अपनी कॉपी में मेंशन करेंगे. ये तीनों टेम्परेचर क्लियर हो गए. एक बार मैं जस्ट रिकॉल कर देता हूं. ड्राई बल्ब टेम्परेचर सिंपल एयर का जो टेम्परेचर होगा विच इज मेजर्ड बाय सिंपल थर्मोमीटर दैट इज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर. ड्यू यस वेट बल्ब टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच स्टेडी स्टेट अचीव्ड. ठीक है तो स्टेडी स्टेट जहां पे आ जाएगा वहां पे आपका जो टेम्परेचर होगा ठीक है थर्मोमीटर का वो टेम्परेचर क्या होगा
वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर इस वजह से मेजर करते हैं कि कोई भी एयर होगी वो मैक्सिमम किसी भी सब्सटेंस को कितना कूल कर सकती है, ठीक है, इस वजह से हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर निकालते हैं। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का मतलब एयर आपकी कंडेंस किस टेम्परेचर पर होगी, इस वजह से आप लोग मतलब कंडेंस स्टार्ट हो जाए, मतलब कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाए तो वो भी तो हमारे लिए खराब है, कंडेंसेशन भी नहीं होना चाहिए। पता चला जितना हम ड्राई नहीं कर पा रहे उतना कंडेंसेशन हो गया तो वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालते हैं। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाए, मतलब आपकी ड्यू फॉर्म होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना, एयर कंडेंस होने लगे तो वहां पे आपका क्या होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। तो सारे लोग ये बता दो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन थ्री, इन तीनों में रिलेशन क्या होगा। सारे लोगों से मैं बोलूं यहां पे व्हाट इज द रिलेशनशिप, तो मैं रिलेशन की बात करूंगा तो अपना ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन, विल बी ग्रेटर देन वेट बल्ब टेम्परेचर, विल बी ग्रेटर देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। तो इन जर्नल इनकेस कोई एयर है अनसेचुरेटेड एयर है, कोई एयर कैसी है अनसेचुरेटेड एयर है, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन वेट बल्ब टेम्परेचर, विल बी ग्रेटर देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। कोई सी भी अनसेचुरेटेड एयर के लिए ये कंडीशन हमेशा होल्ड करेगी। सर लोग लिख लें दिस इज द कंडीशन फॉर एनी अनसेचुरेटेड एयर, एनी अनसेचुरेटेड एयर, अनसेचुरेटेड एयर, किसी भी अनसेचुरेटेड एयर के लिए ये कंडीशन शुड बी होल्ड, ठीक है। ये कंडीशन सर लोग लिख लेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है गेट में। चलो इतनी बात लिखेंगे फिर मैं आगे मूव करूं, ठीक है। इतनी बात सारे लोग मस्त तरीके से कॉपी में मेंशन करेंगे। चलो डन, एक बार सारे लोग बोलते चले जाएंगे, डन जैसे होता चला जाएगा सारे लोग बोलते चले जाएंगे, ठीक है, जैसे कंप्लीट होता चला जाएगा सारे लोग बोलते चले जाएंगे, राइट। डन डन, ठीक। चलो अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की बात करेंगे यहां पे, ठीक है। टर्म यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए किन किन टर्म का हमको यूज कर जरूरत पड़ेगी, तो उसकी हम लोग यहां पे जस्ट बात करेंगे, ठीक है। ओके, टर्म यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए किन किन टर्म का यूज करेंगे, ठीक है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टर्म यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी, ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मतलब जो एयर इनकेस अपने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पर आए तो उस एयर से आप ड्राइंग पॉसिबल नहीं है। कोई एयर ऐसे देखो लिखा करो, कोई एयर अपने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पर है तो उस एयर की हेल्प से आप लोग ड्राइंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से बोलोगे तो समझ में आएगा। नाउ नाउ टर्म क्या क्या यूज करेंगे, पहला फर्स्ट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, हेडिंग डालेंगे सारे लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की हम लोग पहले बात करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यस दिनेश कब है इंटरव्यू आपका, बार्क बार्क का इंटरव्यू कब से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, कब से स्टार्ट हो रहे हैं, यस इस पे मैं बात करने वाला हूं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या मास ह्यूमिडिटी एक ही चीज है, एब्सोल्यूट मास दोनों एक साथ नहीं आएंगे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और मास ह्यूमिडिटी एक ही बात है, मास ह्यूमिडिटी, या कहीं पे सिंपल ह्यूमिडिटी लिखा हुआ है तब भी हम लोग बोलते हैं कि वो मास ह्यूमिडिटी है, ठीक है। ये तीन टर्म कहीं पे भी आपको मिल जाते हैं तो आप बोलते हो कि भैया वो ह्यूमिडिटी ही लिखा हुआ है। ये होता है सिंपल रेशियो ऑफ द मास, ठीक है, ये क्या बताता है कि वाटर वेपर का कितना मास है इन एयर में, ठीक है ना, इज जस्ट रेशियो ऑफ द मास ऑफ द वाटर वेपर टू द मास ऑफ द ड्राई एयर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल एच ए से, इसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एच ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो बड़ा थोड़ा ढंग से लिख लेंगे, इसको जो हम लिखेंगे कैपिटल एच ए से,
ठीक है, तो मास ऑफ द वाटर वेपर टू द मास ऑफ द एयर, इसको इस तरीके से लिखते हैं, मास ऑफ द वाटर वेपर टू द मास ऑफ द एयर। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे पार्शियल प्रेशर के टर्म में, तो ये आ जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पी टोटल माइनस का पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई 18/29 मल्टीप्लाई बाई 18/29 दिस द योर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, दिस द योर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ए का मतलब, ए का मतलब वाटर वेपर, ठीक है, ए का मतलब वाटर वेपर, ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर, ठीक है ना, एक ये पी क्या है, इट द पार्शियल प्रेशर, ठीक है, यहां पे ऐसे बार लगा लेंगे ना, समझ में आ रहा हो, इट द पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर इन एयर गैस मिक्सचर, एयर गैस मिक्सचर, एयर गैस मिक्सचर, ठीक है, इन एयर गैस मिक्सचर, ठीक, एयर गैस मिक्सचर में पार्शियल प्रेशर किसका है, वाटर वेपर का, पी टोटल, इट इज द टोटल प्रेशर, ठीक है, जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा वो टोटल प्रेशर 18/29 इनके मॉलिक्यूलर वेट है, राइट, ये होती है आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। नाउ सारे लोग लिखते चले जाएंगे फास्ट, ठीक है, जस्ट डेफिनेशंस हैं चार पांच, उनको मस्त तरीके से सारे लोग लिखते चले जाएंगे, दिस द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, सारे लोग राइट करते चले जाएंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। नाउ दूसरा मैं यहां पे बात करूंगा, दिस द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, नाउ लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखते चले जाएंगे सारे लोग, लिख लिया ना, डन है, सारे लोग एक बार बोलते चले जाएंगे, लिख लिया। नाउ दूसरा पॉइंट लिखेंगे मोलल ह्यूमिडिटी, ठीक है ना, दूसरा लिखेंगे मोलल ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, ठीक है, ये मोल बेस्ड है, ठीक है ना, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मास बेस्ड थी, ये क्या है, मोल बेस्ड, तो मोल्स ऑफ वाटर वेपर पर मोल्स ऑफ ड्राई एयर, ठीक है, तो इसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को एच ए लिखेंगे, मोल्स ऑफ द वाटर वेपर, मोल ऑफ द वाटर वेपर टू द मोल्स ऑफ द एयर, ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, इट इज द सिंपल रेशियो ऑफ द मोल्स, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में जो एप सॉरी मोलल ह्यूमिडिटी का मतलब एच एम, इसका मतलब एच एम, ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एच एम, एच एम क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर डिवाइडेड बाई पी टोटल माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर, इसमें मॉलिकुलर वेट नहीं आएगा, ठीक है, इसमें मॉलिकुलर वेट नहीं आएगा, दिस इज द योर मोलल ह्यूमिडिटी, ठीक है। इनकेस मैं दोनों रिलेशन की बात करूं, दोनों में रिलेशनशिप की बात करूं, तो आप लोग दोनों में रिलेशनशिप इजीली तरीके से लिख सकते हैं कि दोनों में रिलेशन क्या होगा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इक्वल टू, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इक्वल टू 18/29 टाइम्स ऑफ मोलल ह्यूमिडिटी, ठीक है, ये दोनों में रिलेशन पता होना चाहिए आपको, इनकेस कोई एक गिविन होगी तो दूसरी आप इजीली तरीके से निकाल देंगे, कोई एक गिविन होगा दूसरा आप इजीली तरीके से निकाल देंगे, ठीक है। चलो सारे लोग राइट डाउन करते चले जाएंगे प्रॉपर तरीके से, सारे लोग राइट डाउन करते चले जाएंगे, ठीक है, और जैसे लिख लेंगे ना सारे लोग बताते चले जाएंगे हमको, है ना, फाइन, राइट, चलो। नाउ मोलर ह्यूमिडिटी हो गया, डन। नाउ थर्ड वन सैचुरेशन ह्यूमिडिटी, ठीक है, थर्ड वन सैचुरेशन ह्यूमिडिटी, सैचुरेशन ह्यूमिडिटी, सैचुरेशन ह्यूमिडिटी, ठीक है, सैचुरेशन ह्यूमिडिटी को हम लोग लिखेंगे एच एस से, ठीक है, तो इट इज द जस्ट जो पार्शियल प्रेशर आ रहा था इसमें सैचुरेशन प्रेशर आ जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है, पी ए सेट, ठीक है, अपॉन डिवाइडेड बाई पी टोटल माइनस का पी ए सेट, ठीक है, इंटू 18/29, ठीक है, ये जस्ट आपकी क्या हो गई, सैचुरेशन ह्यूमिडिटी, ठीक है, सैचुरेशन ह्यूमिडिटी मतलब जो पार्शियल प्रेशर जो आपकी एयर थी वो सैचुरेट हो गई है, अब उसकी ह्यूमिडिटी अपन लोग काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इस तरीके से निकलेगी, इट इज द सैचुरेशन ह्यूमिडिटी। नाउ एक और आपका टर्म आएगा, एक और टर्म आएगा, पहले इतना लिख लो, एक आएगा आपका परसेंटेज सैचुरेशन, ठीक है, एक आएगा आपका परसेंटेज सैचुरेशन, ठीक है, थर्ड वन, सॉरी थर्ड वन रहने दो, पहले रिलेटिव ह्यूमिडिटी लिख लो। नाउ फोर्थ पॉइंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा, व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी,
रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द जस्ट रेशियो ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर इन द वेपर गैस मिक्सचर टू द सैचुरेशन प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर डिवाइडेड बाई सैचुरेशन प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर। ठीक है, ये होता है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इनकेस परसेंटेज में पूछेगा तो परसेंटेज में आप दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे। और इनकेस आपसे पूछे परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालो तो कैसे कर देंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाई पी ए सेट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। हर जगह कहीं कहीं पे आप जब जहाँ जहाँ पे परसेंटेज पूछेगा वहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, क्योंकि हर जगह क्या आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, दिस द योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, ठीक, डन। सर थर्ड वाला कैसे डिफाइन करें? यस, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ, केजी ऑफ मॉइस्चर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द एयर। ठीक है ना, कितने केजी मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होगी एयर को सैचुरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये सैचुरेशन ह्यूमिडिटी होगी। राइट, नाउ एडिंग डालेंगे परसेंटेज सैचुरेशन, फिफ्थ वन की बात करूंगा, परसेंटेज सैचुरेशन क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे परसेंटेज सैचुरेशन। ठीक है ना, परसेंटेज सैचुरेशन ये क्या होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी टू द सैचुरेटेड ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी टू द सैचुरेटेड ह्यूमिडिटी। दोनों ह्यूमिडिटी की वैल्यू रखो और फाइनल रिजल्ट जरा निकाल के देखो, इतना आ रहा है क्या। फाइनल रिजल्ट निकाल के देखेंगे सारे लोग, मैं बता देता हूं, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी मल्टीप्लाइड बाई पी टोटल माइनस का पी ए सेट। सारे लोग ये डेरिवेशन करेंगे जरा, पी टोटल माइनस का पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, सारे लोग ये डेरिवेशन करेंगे। देखो ये रिजल्ट निकाल पा रहे हो क्या आप लोग, सारे लोग जरा ट्राई करेंगे, ये रिजल्ट देख पा रहे हो क्या निकाल के, सारे लोग जरा ट्राई करेंगे, एवरीवन ट्राई दिस, यहां तक पहुंचो, दोनों वैल्यू रखो, उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मतलब एडजस्ट करो कैसे भी करके, आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी को एडजस्ट करना होगा। डू दिस फास्ट, कैसे करेंगे बताइए। कैसे करेंगे, सर मैंने अभी किया था हाफ आवर पहले, सारे लोगों का आया क्या, आ गया क्या, देखिए सारे लोग, डन बना। बोलिए डन वेरी गुड लवली। तो आपको परसेंटेज और सैचुरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनटू दिस वन। ठीक है, तो इन ये सारे लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है, सारे लोग सेट कर पा रहे हैं ना इसको, वेरी गुड लवली, क्या बात है। नाउ अब देखो यहाँ पे जो डिस्कशन वाली बात है, ठीक है, की पॉइंट्स यहाँ पे जो की पॉइंट्स होंगे उनकी मैं यहाँ पे बात करूँगा। ठीक है, जो की पॉइंट हैं वो क्या हैं, ठीक है ना, फॉर अनसैचुरेटेड एयर
अनसेचुरेटेड एयर है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, सेचुरेशन प्रेशर ज़्यादा होगा, पी ए सेट विल बी ग्रेटर देन पी ए पार्शियल प्रेशर, ठीक है, सेचुरेशन प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट, कैसी, अनसेचुरेटेड एयर है। तो सारे लोग ये बता दो विच वन विल बी ग्रेटर देन, कौन सी ज़्यादा वैल्यू होगी, परसेंटेज सेचुरेशन ज़्यादा होगा या रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। कोई अनसेचुरेटेड एयर है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये वैल्यू एक से कम हो जाएगी ना, ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये वैल्यू एक से कम हो जाएगी, तो इसका मतलब रिलेटिव परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी ग्रेटर देन परसेंटेज सेचुरेशन, परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी ग्रेटर देन परसेंटेज सेचुरेशन, यस और नो, इफ योर एयर इज अनसेचुरेटेड। सारे लोग जरा बताओ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी ग्रेटर देन परसेंटेज सेचुरेशन यहां से, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक से कम, सपोज कर लो 0.5 आ गया तो 0.5 का मतलब इधर 2 चला जाएगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 2 टाइम्स ऑफ दिस, गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, बोलिए, आर यू कनेक्टिंग दिस पॉइंट। लवली लवली, ठीक, चलो दूसरा की पॉइंट लिखेंगे, दिस इज द की पॉइंट फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट, ठीक है ना, ये पहला है। दूसरा लिखेंगे जो की पॉइंट वो कौन सा लिखेंगे, फॉर सैचुरेटेड एयर, फॉर सैचुरेटेड एयर, एयर कैसी हो आपकी, सैचुरेटेड, एट दिस कंडीशन पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए सेट, एयर कैसी हो गई, सैचुरेटेड, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू सैचुरेशन प्रेशर, कैसे एक से कम होगी अभी बताता हूं, ठीक है, पहले ये लिख लो, फॉर सैचुरेटेड एयर पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू सैचुरेशन प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू सैचुरेशन प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू सैचुरेशन प्रेशर, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो दोनों इक्वल हो जा रही है कि नहीं, बोलिए, दोनों इक्वल हो जा रही है, तो परसेंटेज सैचुरेशन विल बी इक्वल टू द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यस और नो, बोलिए, ये क्या हो जाएगी, दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये जीरो ना कर देना, जीरो ना करके क्या हो जाएगा, परसेंटेज सैचुरेशन विल बी इक्वल टू द परसेंटेज सैचुरेशन विल बी इक्वल टू द परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 100%, 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100%। सर आपके हीट ट्रांसफर की भी लेक्चर है, अभी प्रेजेंट टाइम पे तो नहीं है, जो ऑफलाइन के स्टूडेंट होंगे वो हमसे हीट ट्रांसफर पढ़े होंगे, ऑनलाइन मीडियम में अभी मैंने हीट ट्रांसफर नहीं पढ़ाया है। यस, जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं तो प्लस ज्वाइन कर लें, ठीक है, अगले बैच में मैं आपको हीट ट्रांसफर पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी आप लोग प्लस ज्वाइन कर लें, जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं हमसे हीट ट्रांसफर, लेकिन इस बैच में अभी मैंने हीट ट्रांसफर नहीं पढ़ाया है, ठीक है, ना ही यूट्यूब पर पढ़ाया है, ठीक है, नेक्स्ट बैच में मैं पढ़ाऊंगा। यस, और सर क्या हालचाल, बेटा टाइम है अभी, अपने हालचाल देख लो, ठीक है, मेरे बाद में पूछते रहना, पढ़ाई कर लो अभी टाइम है, ठीक, दिस इज नॉट प्लेटफॉर्म फॉर दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। सर आपसे हीट ट्रांसफर पढ़ने में मजा आएगा, क्रिस्टल क्लियर होगा, हाँ ट्राई करेंगे कि अच्छे वे में पढ़ाया जाए, ठीक है, मेरी अभी टीम से बात हुई है, तो फैब के बाद आपको मिलेगा, फैब के बाद, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, गेट पास में है तो गेट की हालचाल पूछ लो, पढ़ाई की हालचाल पूछ लो, ठीक है, ओके। सर एक से कम वाला कॉन्सेप्ट बता दीजिए, बिल्कुल भैया आपकी बात तो मैं बिल्कुल बता दूंगा, देखो एग्जांपल ले लो, समझो, सपोज कर लो मैं इसको ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ 1 एटमॉस्फियर, ठीक है, मैं पी टोटल, देखो एग्जाम्पल ले लो, पी टोटल मैं 1 ले लूँ, पी सेट मैं ले लेता हूँ 0.6, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ले लेता हूँ मैं 0.2, ठीक है, ऐसा मैं ले सकता हूँ, ठीक है, इस कंडीशन होल्ड कर रही है, देखो पी सेट ज़्यादा है पार्शियल प्रेशर से, पी टोटल आपका ज़्यादा होगा दोनों से, ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखूँगा परसेंटेज सेचुरेशन इज इक्वल टू परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंटू 1 माइनस 0.6,
1 माइनस 0.2, तो परसेंटेज सेचुरेशन इक्वल टू परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये क्या आ जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 0.8, तो ये आ जाएगा 1 बाई 2, ठीक है, ये पूरा कैंसिल आउट होकर 1/2 आ जाएगा। तो परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू 2 times ऑफ परसेंटेज सेचुरेशन, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि भैया ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी कि नहीं, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी ग्रेटर देन दिस वन। सर हो गया ना, हुआ हो तो देख लो, ठीक है, अब मैंने कर दिया। यस अक्षय, ना इंसाफी कुछ नहीं, हीट ट्रांसफर, यस आपका योगेश त्यागी सर से आप लोग पढ़ रहे हैं ना, योगेश त्यागी सर पढ़ा रहे हैं तो उनसे आप लोग पढ़ लो, ठीक है, ना इंसाफी ऐसा कुछ नहीं, जुर्म कर दिया है योगेश सर पढ़ाते हैं, ठीक है, अपने यहाँ देखो योगेश सर पढ़ाते हैं, अंकुर सर पढ़ाते हैं, अंकुर सर से पढ़ लो, ठीक है, योगेश सर पढ़ाते हैं, योगेश सर ने 2 बार पढ़ाया है, अभी भी उनका ऐप पर चल रहा है तो वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। देवेंद्र पुनिया सर पढ़ाते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हो। हमारी देखो जो केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, एक सब्जेक्ट एक नहीं मल्टीपल फैकल्टी पढ़ाते हैं, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब सारे सब्जेक्ट मैं तो अकेले नहीं पढ़ा सकता हूँ ना, सभी लोगों को मौका दिया जाए। चलो मिलेगा, जस्ट टच में रहो, एंड तक मिलेगा आपको, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी योगेश सर पढ़ा रहे हैं, उनका फॉलो कर सकते हैं। सर आपके डिस्टिलेशन वाला सीरीज पूरे एमएनआईटी में वायरल हो गई है, अच्छा ऐसा क्या, चलो बहुत बढ़िया। और सर वो एब्जॉर्प्शन वाला भी खतरनाक था क्या बात है, ये जस्ट आप ही लोग हैं चीज़ों को वायरल करते हैं। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले आईआईटी कानपुर और एक कुछ महीने पहले आपने एएमयू नाम सुना होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, उनके प्रोफेसर सर का कॉल आया था, आपको मैं बताऊं, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उनके प्रोफेसर सर का कॉल आया था, ठीक है ना, उन्होंने मुझे मतलब, ठीक है ना, जो चीज़ें बोलते हैं उन्होंने बोला है, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भी हमारे अपने लेक्चर देखे हैं, स्टूडेंट लोग तो देखते ही हैं। सर द थर्मोडायनामिक्स का क्रैश कोर्स कब शुरू होगा, थर्मोडायनामिक्स का क्रैश कोर्स क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स योगेश सर पढ़ाएंगे, सॉल्यूशन थर्मोडायनामिक्स मैंने ऐप पर खत्म कर दिया है तो उसको आप देख सकते हैं। सर टेक्निकल कंप्लीट शुड आई गो फॉर रिवीजन और गो फॉर जनरल स्टडी, कॉलेज में क्लोज डेट ESC का, ESC के बारे में तो अभी मत, अभी तो हम लोग गेट में फोकस कर रहे हैं, ठीक है, गेट पर फोकस अभी हम लोग कर रहे हैं। ESC के लिए आप लोग ESC के जो सलाहकार हैं उनसे सजेशन ले सकते हैं। सर जॉब करने बुलाया क्या, हाँ जयस ऐसा ही कुछ है चलो ठीक है, सारी जॉब छोड़ के तो मैंने टीचिंग ज्वाइन किया है, ठीक है, इंडिया की सब जॉब छोड़ के टीचिंग ज्वाइन किया है, अब क्या ही जॉब करेंगे। सर थर्मो चल रहा है अभी, अच्छा अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपका क्लियर हो गया एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, मास वेस्ट, मोलर ह्यूमिडिटी, मोल वेस्ट, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जस्ट रेशियो, कितना आपका एयर जो है कितना कंटेंट वाटर वेपर ले सकती है, दिस इज द जस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। परसेंटेज सेचुरेशन, सेचुरेशन से रिलेटेड है, यस नहीं नहीं परसेंटेज सेचुरेशन जस्ट रेशियो बताता है, रिलेटिव है, ठीक है ना, एब्सोल्यूट टू सेचुरेशन इट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यू कैन से दैट। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और परसेंटेज सेचुरेशन ऑलमोस्ट वैल्यू सेम आती है, इनकेस कभी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो दिस इज ऑल्सो रिलेटिव, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो रिलेटिव, ठीक है ना, बोथ कैसी है रिलेटिव, तभी भी आप कभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, परसेंटेज सेचुरेशन की वैल्यू और परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू दोनों ऑलमोस्ट सेम निकल के आएंगी, ठीक ओके। चलो तो इतनी बात अभी तक हम लोगों को क्लियर हो गई, हमारा ड्राई वाल्व टेम्परेचर क्लियर हो गया, हमारा वेट वाल्व टेम्परेचर क्लियर हो गया, हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्लियर हो गया, ठीक, और हमारी ये टर्म क्लियर हो गए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे बनेंगे, जरा मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, यहाँ से जो न्यूमेरिकल बनेंगे अभी मैं ये सब पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, यहाँ से देखो न्यूमेरिकल जरा बनाने की कोशिश करो। फॉर एयर वाटर वेपर मिक्सचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द एयर इज दिस, द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम, द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, सर लोग जरा बना देंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एक मिनट पहले इसको करो, गेस द सैचुरेटेड मोलर, सैचुरेटेड ओके मोलर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ द गैस वेपर गैस मिक्सचर, ओके फाइन नो प्रॉब्लम, द मिक्सचर एट 100 किलो पास्कल, ठीक है, मिक्सचर एट 100 डिग्री सेल्सियस, अच्छा
100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ ए दिस वन द टोटल प्रेशर ए दिस वन ओके सैचुरेशन आपको ह्यूमिडिटी निकालनी है फाइन द वेपर प्रेशर ऑफ ए ओके ठीक यहां पे थोड़ा देख लेंगे यहां पे गैस ना होके वाटर वेपर होगी ठीक है ये जो सिंबल होंगे ना ये ए होगी वाटर वेपर के लिए गैस के लिए बी होगा ठीक है ध्यान रखना वेपर प्रेशर ऑफ ए मतलब ये किसके वेपर प्रेशर ऑफ ए मतलब वाटर वेपर की वेपर प्रेशर नहीं है ठीक है वाटर वेपर की चलो निकालो सारे लोग कैलकुलेट करेंगे सारे लोग ओके फाइन निकालेंगे कितना आंसर आ रहा है देखो व्हाट इज द आंसर 0.39 और 0.65 देखो क्या आ रहा है 0.4 वाह अरे भैया सैचुरेशन ह्यूमिडिटी निकालनी है ना सैचुरेशन ह्यूमिडिटी एच एस तो सैचुरेशन प्रेशर डिवाइडेड बाई पी टोटल माइनस का सैचुरेशन प्रेशर मल्टीप्लाई बाई 18/29 करना है दैट्स इट खत्म 0.4 कोई आंसर नहीं मैच कर रहा है क्या यस हो सकता है यस 0.4 मीन्स ए पार्ट ओके निरल आप क्या करो जस्ट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो वहां से आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी ठीक है वहां पे मैंने सारे पीडीएफ प्रोवाइड कर रखे हैं टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लो जो लोग नहीं ज्वाइन है ठीक है ना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे वहां पे मैंने सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ कंप्लीट विद आंसर की प्रोवाइड कर रखे हैं उसको आप लोग कलेक्ट कर सकते हो ठीक है फाइल में जाके तो आंसर आएगा 0.4 राइट नाउ तो इस टाइप के बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हल्के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कमिंग टाइम पे नाउ अब मैं बात करता हूं साइकोमेट्रिक चार्ट पे सारे लोग हेडिंग डाल देंगे साइकोमेट्रिक चार्ट व्हाट इज द साइकोमेट्रिक चार्ट इसको सारे लोग बहुत अच्छे से समझेंगे सैचुरेशन ह्यूमिडिटी में होगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोला है ना तो होगा 18/29 रामकृष्ण एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोला है तो आपको देखने को मिलेगा चलो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोला है तो आपको देखने को मिलेगा चलो मोलल क्वेश्चन में था क्या चलो एक मिनट मैं अभी देखे ले रहा हूं हो सकता है ये वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है ग्रुप पे भी एक लोगों ने पूछा है तो एक मिनट मोलल दिया होगा तो मोलल को हटा देना है एक मिनट अभी मैं देख ले रहा हूं तुम्हारा कहां मोलल दिया है जरा बताओ मेरे को अच्छा सॉरी कौन सा क्वेश्चन था अच्छा हाँ ये क्वेश्चन यस यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है आज एक बच्चे ने पूछा भी था प्लस वाले ने ये है ना मोलल को हटा देना ये यहाँ पे दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं ये यहाँ पे नहीं होगा ठीक है रामकृष्ण वेरी गुड ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे ओके चलो एब्सोल्यूट का मतलब मास बेस एंड डालेंगे सारे लोग साइकोमेट्रिक चार्ट साइकोमेट्रिक चार्ट तो देखो साइकोमेट्रिक जो चार्ट है वो पहले बहुत ढंग से समझ लेंगे सारे के सारे लोग साइकोमेट्रिक जो चार्ट है वो बहुत अच्छे से समझ लेंगे सारे के लोग ठीक है ठीक है चलो पहले हल्का सा रफली इसका आइडिया ले लेंगे कि ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन बोल क्या रहा है ठीक देखो बहुत ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा आपको ठीक है अब देखो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो ये साइकोमेट्रिक चार्ट होता है आपका वाई एक्सिस पे क्या होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ये जो वाई एक्सिस है इसमें होता है आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एच ए ठीक एक एक पॉइंट सारे लोग समझेंगे जो अपना वाई एक्सिस होता है उसमें क्या होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो एक्स एक्सिस है इसमें होता है आपका ड्राई वल्ब टेम्परेचर इसको हम लोग टी जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं अपना क्या होता है ड्राई वल्ब टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे
हमको अभी तक दो बातें आई समझ में, हमारा जो साइकोमेट्रिक चार्ट होता है वाई एक्सिस पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर। टेम्परेचर जो इंक्रीज करता है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट आपका टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक, इधर की ओर जाने पे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, ओके। इस साइड की ओर जाने पे अपना टेम्परेचर इंक्रीज करता है, इस साइड की ओर जाने से अपना एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीज करती है, ओके। जो ये साइकोमेट्रिक चार्ट है ये आपका 1 ATM पर बना हुआ है, इस पे बना है 1 ATM, ठीक है। 2 ATM पर भी बनेगा, जस्ट कंडीशन चेंज हो जाएंगी, ठीक है। 3 ATM पर भी बनेगा, कंडीशन चेंज हो जाएगी। आपके गेट के लिए क्वेश्चन आएगा 1 ATM पर, फाइन। नाउ अब देखो साइकोमेट्रिक चार्ट का यूज क्या है, व्हाट इज द पर्पज। सर लोग पहले इतना बता दो, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस ग्राफ। चलो भाई पढ़ रहे हैं, यूज क्या है सर इसका, हमको सबसे पहले ये बताओ क्यों पढ़ रहे हैं हम ये। सबसे पहले मुद्दे की बात क्या है, व्हाई वी आर स्टडिंग द साइकोमेट्रिक चार्ट, दिस इज द माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू जनता। सारे लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि चलो भाई अभी हम पढ़ लेंगे बहुत ही मुस्कुरा के, लेकिन इसका यूज कहां पे करेंगे, ये क्या पर्पज क्या है, क्या हमको ये सॉल्व करके देता है, जरा सारे लोग जरा सोच के बताएंगे। सपोज कर लो इंटरव्यू ने ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चलो बताओ कर लेंगे क्या। व्हाट इज द यूज, केमिकल इंजीनियरिंग में आगे स्कोप है या फिर एंड में कोडिंग ही करनी है। अबे गोयल जैसा भी आप सेट कर लेंगे, आपको केमिकल इंजीनियरिंग में जाना है तो केमिकल इंजीनियरिंग में इतना स्कोप है कि किसी भी ब्रांच में नहीं है, ठीक है। अदरवाइज वो ये आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, इनकेस आप नेगेटिव पहले से ही हो गए हैं तो फिर फाइन, नेगेटिव पॉजिटिव उसको ले रहे हैं तो वही तो बोलता है ना कि समझ रहे हो ना, कोयले की खदान से भी हीरा निकलता है, तो वो जस्ट थॉट प्रोसेस जैसा आपका हो गया, ठीक है। जिस हिसाब से आपने लाइन लिखी है इस यहाँ से जस्ट नेगेटिविटी के अलावा और कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग के जो टॉप के आपके ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, वहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा रिक्रूट करता है, ठीक है ना। जो भी इंडिया के टॉप के ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे भेल ले लो, चाहे गेल ले लो, ठीक है, चाहे आपका ये आपका क्या IOCL ले लो, IOCL कितना बड़ा महारत्न कौन होगा, और सब केमिकल इंजीनियरिंग वहाँ पे 30-40% लोग वहाँ पे मिलेंगे, समझ रहे हो। एक ही चार्ट में सब चीज फाइंड आउट करना है टू गेट द रिलेशनशिप बिटवीन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड यस, ठीक है। तो जस्ट पॉजिटिव रहना है सर, टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी, ओके गुड, यू आर ट्राइंग, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू यस आंसर, आंसर आप करना है, आपको कुछ ना कुछ तो बोल के आना है, चुप तो नहीं बैठे रहना है, लवली। और सारे लोग जितना भी सोच पा रहे हैं सब लोग निकालो, जितना भी सोच पा रहे हो सब लोग थोड़ा थोड़ा लिखेंगे ना, मजा आएगा, सब लोग थोड़ा ट्राई करेंगे, ये समझ लो इंटरव्यू में मैं कुछ बोल रहा हूँ। इफ यू आर ट्राइंग टू राइट समथिंग तो फिर क्या हो रहा है कि आप कुछ ना कुछ बोल पा रहे हैं, दिस द अल्टीमेट पर्पज। यस, और थोड़े मेरे पास आंसर आने चाहिए, और मेरे पास थोड़ा आंसर मैं चाहता हूं। गुड इवनिंग भैया, और मैं थोड़े आंसर चाहता हूं, आई वॉन्ट टू आंसर मोर। देखो अब सुनो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सारे लोगों को सुनना है मेरी बात। साइकोमेट्रिक जो चार्ट होता है, कोई भी हमको दो चीजें पता हो, कोई भी हमको दो अननोन पता हो, रेस्ट ऑफ अननोन हम सारे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट, ठीक है। कोई भी हमको दो अननोन पता हो, ठीक है, हमको या तो पता हो वेट वेलोप टेम्परेचर, ड्राई वेलोप टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इंथैल्पी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सब कुछ निकाल लोगे आप, ठीक है। बस आपको दो अननोन पता होने चाहिए, ठीक है, ह्यूमिड वॉल्यूम, इंथैल्पी, हीट रिक्वायरमेंट, इंथैल्पी रिक्वायरमेंट, सब कुछ निकाल लोगे, बस आपको दो अननोन पता होना चाहिए। तो मैं बोलूं आपके पास दो अननोन क्या क्या पता है, आप सिंपल ड्राई वेलोप टेम्परेचर पता कर लेंगे,
या परसेंटेज ह्यूमिडिटी या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आप पता कर लेंगे, ठीक है। तो मैं बोलूं आपको क्या क्या पता है, आपका सपोज कर लो आपको ड्राई वाला टेम्परेचर पता है तो 100 है, आप गए और आपको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पता है ये 0.08, आपको ये दो चीजें पता है, आपको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पता है और आपको ड्राई वाला टेम्परेचर है, रेस्ट ऑफ सारी चीजें आप लोग निकाल पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। यस, वेरी गुड, ठीक है। अब आपको सब कुछ अननोन निकाल पाओगे। देखो कैसे निकालेंगे, हमको ये दो चीजें पता हैं, हम सबसे पहले सिंपल ये होती है एडियाबेटिक लाइंस, इनको बोलते हैं एडियाबेटिक लाइंस, ठीक है। एडियाबेटिक लाइन के अलोंग हम लोग गए, कहां पे गए, 100% सैचुरेशन, कहां पे गए हम लोग, 100% सैचुरेशन पर, ठीक है, 100% सैचुरेशन पर गए, ठीक है, 100% सैचुरेशन पर गए और हमने सीधे वर्टिकल लाइन खींच दी, तो जो हमको ये टेम्परेचर मिल गया इसको बोलते हैं वेट वाल्व टेम्परेचर, वेट वाल्व टेम्परेचर, इसको बोलते हैं वेट वाल्व टेम्परेचर। वेट वाल्व टेम्परेचर ऑलवेज यू कैन फाइंड आउट अलॉन्ग द लाइन ऑफ एडियाबेटिक, जितनी भी ये लाइन है कॉन्स्टेंट एंथैल्पी और एडियाबेटिक लाइन होती हैं, ठीक है। एडियाबेटिक लाइन के अलॉन्ग आपको क्या मिलता है, वेट वाल्व टेम्परेचर, पहले रीड करना समझ लो कि इसको रीड कैसे करते हैं। नाउ अब क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे, ठीक है। आपको ये वाला पॉइंट पता है ना, आप हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल सर मूव कर सकते हैं। आप इस वाले पॉइंट पे गए 100% सेचुरेशन पर और आप वर्टिकल लाइन पे गए, जो आपको ये टेम्परेचर मिल गया इस टेम्परेचर को बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को बोलते हैं क्या, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक। आपको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पता थी, आपको क्या पता था, ड्राइवर टेम्परेचर पता था, आपका जो कट कर गया इस कट पे जो ये है एडिया, ये क्या नाम, परसेंटेज सेचुरेशन की लाइन, इसका मतलब जो एयर हैविंग 20% परसेंटेज सेचुरेशन, एयर का परसेंटेज सेचुरेशन कितना है 20% और रिलेटिव इम्यूनिटी कितनी है 20%, क्योंकि ये लाइन आपकी रिलेटिव इम्यूनिटी की भी है और परसेंटेज सेचुरेशन की भी है, ठीक है। तो एयर की रिलेटिव इम्यूनिटी पता चल गई, एयर का ड्राइवल टेम्परेचर पता चल गया, एयर का वेट वाल्व टेम्परेचर पता चल गया, इसके लाइन अलॉन्ग जाएंगे तो आपको इंथैल्पी पता चल जाएगी, ठीक है। और आपके पास ये डेटा इधर और अवेलेबल होता है, वहां से ह्यूमिड वॉल्यूम वगैरह भी पता कर लोगे, ठीक है। तो ये सारे अननोन यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट, ठीक। सर प्लीज रिपीट, बिल्कुल रिपीट कर दूंगा, इसको मैं इरेज करके ही रिपीट करूंगा, देखो इरेज पूरा कर दे रहा हूं, पहले कंप्लीट इरेज करके मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो आपको दो अननोन पता है, देखो फिर से एक बार सारे लोग सुनेंगे, आपका इधर टेम्परेचर होता है, इधर क्या होता है ह्यूमिडिटी होती है, आपको दो अननोन पता है। तो मैंने बोला था आपको एक ह्यूमिडिटी पता है, आपको टेम्परेचर पता है, आप सिंपल थर्मोमीटर से आपने ड्राई वाल्व, ये जो सिंपल आप मेजर करते हैं इसको बोलते हैं ड्राई वाल्व टेम्परेचर, जो सिंपल आप मेजर कर लेंगे टेम्परेचर 100, 200, 300, तो सिंपल जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये किसकी होती हैं, ड्राई वाल्व टेम्परेचर की, ये वर्टिकल लाइंस, ठीक है, ड्राइवल टेम्परेचर, ठीक है। अब आपको पता करना है वेट वाल्व टेम्परेचर, तो वेट वाल्व टेम्परेचर आप एडियाबेटिक लाइन के अलोंग जाएंगे, किसके लाइन के अलोंग जाएंगे, एडियाबेटिक। सर ये तो चलो ठीक है, इनकेस हमारा टेम्परेचर यहां पे लाई करता तब हम कैसे जाते, आप अगेन स्केल रख लेते ना, एडियाबेटिक लाइन एक इसके पैरेलल तो खींच ही लेते ना, पैरेलल खींच लेते, तो ये आपको क्या दे रहा है वेट वाल्व टेम्परेचर, ये आपको क्या दे रहा है वेट वाल्व टेम्परेचर, इफ एयर का ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है तो आपको जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ये थी तो आपका वेट वाल्व टेम्परेचर क्या होगा, ये होगा। इनकेस एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ये है तो आपका वेट वाल्व टेम्परेचर क्या होगा, ये होगा। कोई जरूरी नहीं ये जो कट करे इसी एडियाबेटिक लाइन पे कट करे, हो सकता है बीच में कट कर जाए, तो बीच में भी कट करेगा तो इसके पैरेलल तो खींची लोगे ना लाइन, राइट। अब हॉरिजॉन्टल सीधे मूव कराए 100% सैचुरेशन, ये होती है 100%, ये 80% 60%, तो 100% सैचुरेशन पे जो आपको टेम्परेचर यहां पे मिल गया दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, 100% सैचुरेशन पर मिलेगा, मैंने बताया था अभी डेफिनेशन में। हाँ अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल करवाऊंगा सुरेश, ठीक है ना, बिल्कुल करवाऊंगा, डोंट वरी, मस्त तरीके से मेंशन कर लेंगे सारे लोग, एक एक बात, एक एक बात सारे लोग मस्त तरीके से मेंशन कर लेंगे, ठीक, एक एक बात सारे लोग मस्त तरीके से मेंशन कर लेंगे। हम्म,
ह्यूमिडिटी रेशियो, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एक ही बात है ना, बिल्कुल एब्सोल्यूटली करेक्ट, दोनों एक ही बात है। ह्यूमिडिटी रेशियो का मतलब क्या है, वो रेशियो ऑफ द वाटर मास ऑफ द वाटर वेपर टू द मास ऑफ द एयर, वही रेशियो लिखा हुआ है, दोनों एक ही बात है। अभी काफी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा सुरेश, ठीक है, डोंट वरी। सर लोगों को बात आ गई ना इतनी समझ में, ठीक है, तो यहां से हमको पता चल जाएगा ड्राइवर टेम्परेचर, वेटर टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। चलो अब मैं क्वेश्चन की बात कर लेता हूं यहां से, अब मैं वन बाई वन क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से ए टू जेड। चलो सर लोगों को बात आ गई ना समझ में, यस और नो, कि इसमें क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। अब जरा एक चलो मैं अपने मन से पूछूं आपसे क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लेता हूं, चलो तो ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, ठीक है, अपनी तरफ से मैं क्वेश्चन देता हूं, चलो मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बना बना के आपको देता हूं, सर लोग बताते चले जाना, सर लोग रेडी हैं, क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दूं, क्विज बना बना के, बोलो, मस्त क्वेश्चन दूंगा एकदम से, बोलो रेडी है एवरीवन, एवरीवन आर रेडी फॉर फाइट, सोचना है मस्त तरीके से बनाते चले जाना है, ओके। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है ना, एक क्विज लिख लेंगे, ठीक है, क्विज, क्विज पहली मैं दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, मजा आएगा आपको। मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं, आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इफ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एयर देन, सर लोग बता देंगे, मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, ड्राई वल्व टेम्परेचर, ड्राई वल्व टेम्परेचर, ड्राई वल्व टेम्परेचर, वेट वल्व टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सर लोग पहला क्वेश्चन ये है, ड्राई वल्व टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेट वल्व टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एयर। सर लोग सोचेंगे और मुस्कुरा के बताएंगे, ड्राई वल्व टेम्परेचर, ड्राई वल्व टेम्परेचर, ठीक है, ड्राई वल्व टेम्परेचर बताएंगे सर लोग, इफ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। बोलो, ड्राई वल्व टेम्परेचर इंक्रीज, वेट वल्व टेम्परेचर डिक्रीज, ओके, ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, एक आंसर आया है, ड्राई वल्व इंक्रीज, वेट वल्व इंक्रीज, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज सेम, ओके, ये इंक्रीज, ये इंक्रीज, ये सेम, ओके, ऑल इंक्रीजेस, ऑल आर इंक्रीजेस, 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 ठीक है, एनी अदर आंसर, जितने लोग आंसर देंगे उतने आपके कितने फैक्टोरियल बन जाएंगे, फैक्टोरियल 3, 6 आंसर बना सकते हो। नो इफेक्ट ऑन द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, लवली, देखो देखो, चलो ठीक है, वेल 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 वेल, ऑल इंक्रीजेस, ड्राई वल्व टेम्परेचर इंक्रीजेस, वेट वल्व टेम्परेचर इंक्रीजेस, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर विल बी सेम, ओके फाइन, इसका मतलब ये वाला आंसर आपने बोला है, ओके फाइन। अब देखो सर लोग, आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इसी चार्ट से सारा कुछ निकल के आ जाएगा, देखना बहुत ध्यान से, मेरी पहले ईयर यहां पे थी, सपोज कर लो मेरी ईयर पहले यहां पे थी, ईयर हमारी यहां पे थी, ठीक है, और ह्यूमिडिटी आपकी कांस्टेंट है, ठीक है, ये है राइट, अपनी ये इनिशियल ईयर थी, चलो अब सुन लो सारे लोग मेरी बात, आपकी इनिशियल ईयर ये थी गुरु, आपकी इनिशियल ईयर ये थी, आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करवा रहे हैं, यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीज किधर करवाएंगे सर लोग बताओ, इंक्रीज इधरी साइड में तो करवाओगे, इधरी साइड में तो करवाओगे, यस और नो बोलिए, तो इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो सपोज कर लो आपकी जो न्यू ईयर रही वो ये रही, तो पहले क्या था आपका ड्राइवर टेम्परेचर टीजी ये था, अब गुरु टीजी तो बढ़ जाएगा ना, तो योर ड्राइवर टेम्परेचर विल इंक्रीज, गारंटी ले रहे हो सर लोग, ड्राई वल्व टेम्परेचर विल इंक्रीज, सर लोग बताओ,
पहले आपका सिंपल ड्राइवल टेम्परेचर क्या हुआ करता था, ये हुआ करता था, यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, योर ड्राइवल टेम्परेचर विल इंक्रीज, यस और नो, योर ड्राइवल टेम्परेचर विल इंक्रीज। ठीक, पहले यार ये थी इनिशियल वाली, इसका वेटेबल टेम्परेचर क्या होगा, ये रहा होगा वेटेबल टेम्परेचर। जो दूसरी ईयर है, जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करवाया, यहां पहुंच गए, तो आपका वेटेबल टेम्परेचर क्या होगा, ये होगा। तो पहले से इंक्रीज किया कि नहीं, पहले से इंक्रीज कर गया वेटेबल टेम्परेचर, यस और नो बोलिए। तो आपका वेट बल्ब टेम्परेचर भी गुरु इंक्रीज कर गया, वेट बल्ब टेम्परेचर भी इंक्रीज कर गया। पहले आपके ईयर ये थी, इसके करस्पॉन्डिंग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ये था 50, अब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, फिर भी आपका भैया ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तो सेम ही रहा ना, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर विल नॉट चेंज, वो तो 50 रहा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर विल बी सेम, देख लो। ठीक, तो दिस विल बी द योर आंसर। एक्सप्लेनेशन सारे लोगों को समझ में आया, यस और नो? इससे मस्त एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता है। सारे लोग बताएंगे, बात आई सारे लोगों को समझ में? जयस, बात आई तुमको समझ में कि नहीं? सारे लोग बताएंगे जरा, बोलिए। तो ठीक है, अभी क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट पूरा, अभी क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट पूरा, यस। ये ऊपर कौन था, सुरेल क्या नाम था, तुम भी गलत बोल दिए थे, सुरील, समझ आया, लवली, नाइस कॉन्सेप्ट। ठीक, बिल्कुल मस्त क्विज नंबर वन थी ये। ठीक है, आपसे कोई भी इन तीनों में से कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन में आपने तीन कंप्लीट किए। नौ, एक तो ये था क्विज नंबर वन, लिख लेंगे सारे लोग, एक्सप्लेनेशन अपने मन से लिख लेंगे। ठीक है, दूसरा क्विज, क्विज टू, क्विज 02, इसको सारे लोग लिखेंगे। ठीक, क्विज 02, ये क्या है, आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं, देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, सेम, ऑल, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। इफ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, देन योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स सेम और ऑल, तीनों पॉसिबल हैं। बोलिए, बताइए, इफ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज सैचुरेशन, एज यू नो दैट, यस सुरील, मैथमेटिक्स बिल्कुल मत जाओ, आप सीधे ग्राफ पर सोचो, तभी गलत कर रहे हो, मैथमेटिक्स ये सब मत सोचो, ग्राफ से सोचो ना, साइकोमेट्रिक चार्ट पढ़ा है। ठीक, देखो इसका मतलब यही तो है, परसेंटेज सैचुरेशन या रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कर्व यही तो है, 100%, 80%, 60%, इतना क्यों सोच रहे हो, एक झटके में आंसर आएगा। आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी डिक्रीजेस, 80%, 60%, 40%, 20% decreases. ठीक है, decreases. Simple. बस ग्राफ ही सीधा सीधा बनाए, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एज यू डिक्रीजिंग द टेम्परेचर योर इंक्रीजेस। ठीक है, तो टेम्परेचर ऐसे भी सोच सकते हो यार, लॉजिक से टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगी ना, तभी तो वाटर वेपर को ज्यादा अपने एब्जॉर्ब कर पाएगी, तभी तो गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, दैट इज वाई ड्राइंग रेट विल बी ग्रेटर देन इन द समर,
समर में ड्राइंग ज्यादा होती है, तभी तो गर्मियों में जल्दी कपड़े सूखते हैं, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर गई, इसका मतलब एयर ज्यादा ड्राई है, एयर मोर ड्राई है। तो एयर जितनी ज्यादा ड्राई होगी उसका टेम्परेचर उतनी ज्यादा होगा। गेटिंग दिस पॉइंट? इन केस ऐसे फील ले पा रहे हो तो ऐसे ही ठीक है, नहीं फील ले पा रहे हो साइकोमेट्रिक चार्ट भी यही बोल रहा है, यहां से भी नहीं फिर तुम्हारे वाले पे मैं जा सकता हूं। यस यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, योर पार्शियल प्रेशर विल इंक्रीज। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, पार्शियल प्रेशर ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा सैचुरेशन प्रेशर से, मोर ड्राइंग होगा। समझ रहे हो ना सारे लोग? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। ठीक है, चलो दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। नाउ नाउ फाइन, अब देखो और मैं क्वेश्चंस की बात करूं, अच्छे ये सारे क्वेश्चंस आपके गेट में आए हुए हैं, देखो मैं दिखाता हूं, ये सारे क्वेश्चन आपके गेट में आए हुए हैं, जरा इसको करो, देखो क्या है, ये क्वेश्चन आपका गेट का आया हुआ है, जरा इसको करेंगे सारे लोग, जरा बताएंगे कौन सा आंसर है, विच वन इज द राइट आंसर, डू दिस फास्ट सारे लोग, जरा इसको करेंगे, ट्राई करेंगे मस्त तरीके से। चलो आंसर क्या आ रहा है, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर है सीधा सीधा। चलो ये सारे लोग करेंगे जरा, नाउ देखो इसका क्या आना है, इधर टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इंक्रीज द कांस्टेंट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर विल बी, देखो सुरील तुम बोल रहे थे ना क्वेश्चन सर करवा दो, कितने क्वेश्चंस हो गए, 7-8 क्वेश्चन हो गए हैं आपके, तो इसे ह्यूमिडिटी में आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, देखो आंसर क्या आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना लोगे, इनकेस आपको साइकोमेट्रिक चार्ट क्लियर है ना तो कोई भी क्वेश्चन आएगा इजीली तरीके से बना लेंगे, ठीक, कोई भी क्वेश्चन आएगा मस्त तरीके से खेल जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक, तो इतने आपसे क्वेश्चन पूछेगा गेट में, राइट, इंक्रीज्ड, लवली इंक्रीज्ड, ठीक, क्या बात है, चलो तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप इजीली तरीके से कर लेंगे, ठीक है, चलो तो इस तरीके से आपका ह्यूमिडिटी भी होता है दी एंड, ठीक है, आपका ह्यूमिडिटी होता है दी एंड, ठीक है, राइट, आज मॉक टेस्ट नहीं है, आज मॉक टेस्ट नहीं है, मैं कल आपका मॉर्निंग में सॉल्यूशन थर्मोडायनामिक्स का मॉक टेस्ट पेपर होगा कल मॉर्निंग में, ठीक है, कल मॉर्निंग में होगा आपका मॉक टेस्ट। अब मैं आपको बता देता हूं कि भैया 16 से आपका स्टार्ट होगा, अब देखो कल आपका एडजॉप्शन होगा, कल एडजॉप्शन और दो लेक्चर मुझे और चाहिए एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है, एडजॉप्शन बचा हुआ है और दो लेक्चर मुझे एक्सट्रैक्शन के लिए चाहिए, आपका ये हो जाएगा खत्म, ठीक है, ये हो जाएगा खत्म, फिर मैं स्टार्ट करूंगा न्यू टॉपिक ऑफ द न्यू एडेड सिलेबस, दैट इज द मेम्ब्रेन सेपरेशन इन द मास ट्रांसफर, ठीक है, ये मेम्ब्रेन सेपरेशन आपका स्टार्ट होगा जिसकी डेट रहेगी 16 नवंबर, ठीक है, 16th ऑफ नवंबर से मैं स्टार्ट करूंगा आपका मेम्ब्रेन सेपरेशन, ठीक है, सारे लोग रेडी रहिएगा, 2 नंबर आपको ये देकर जाएगा,
दो नंबर ये आपको देकर जाएगा सुपर तरीके से। सर मास का इनकेस आप लोग चाहते हैं तो मैं कल से ही बता रख दूं, आप लोग चाहेंगे तो फिर मैं, यस मेरी कल प्लस की क्लास खत्म हो जाएगी, परसों से आपको मिल जाएगा, ठीक है। इनकेस आप लोग इंटरेस्ट उसमें दिखाएंगे तो फिर मैं रख दूंगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो मैं टेस्ट पेपर लेता हूं ना उसमें कोई एरर नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन सारे रहते हैं लेकिन बच्चे काफ़ी परेशान है कि टेस्ट में सारे बहुत सारे एरर मिलती हैं, डेटा इररिलेवेंट रहता है, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं आपको खुद टेस्ट बनाऊंगा और टेस्ट पेपर मैं खुद लूंगा, ठीक है, सो दैट आपके प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन तो एटलीस्ट मिलेंगे, तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलो मैं जल्दी से अक्षय रखता हूँ, डोंट वरी। यस सर वी वॉन्ट, बिल्कुल बिल्कुल, यस ह्यूमिड हीट से मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपका ह्यूमिड हीट क्लियर कर दूंगा, ठीक है, वो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वहां से क्लियर हो जाता है, ठीक है। सुमन यस बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहां से हम लोग 16 नवंबर को बात करेंगे किसकी, मेम्ब्रेन सेपरेशन की, ओके नाउ यहां, और मैं बोलूंगा अभी जो करंट में ऑफर चल रहा है तो जो लोग भी ऑफर के साथ मूव करना चाहते हैं, अभी 12 मंथ का ऑफर चल रहा है तो जो लोग भी 22, 23 के लिए टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग अभी इस ऑफर का फायदा उठाएं, 12 मंथ्स का, इसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, ये इसी वीक तक है तो आप इस वीक तक का अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, करंट में 3+1 मंथ का ऑफर चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो 12 मंथ थर्ड ईयर वाले स्पेशली स्टूडेंट 12 मंथ का ज्वाइन करें, मस्त तरीके से प्लस के साथ मूव करें, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपके सब्जेक्ट चलते हैं, प्रॉपर तरीके से सारा कुछ डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है, असाइनमेंट क्विजेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आप वहाँ पर रेगुलर रह पाते हैं और कोई भी चीज़ रेगुलर करते हैं तो आपका उसको आउटपुट दिखता है, ठीक है, कोई भी चीज़ जब भी रेगुलर करते हैं तो उसका आउटपुट आपको दिखेगा। तो आप लोग कोड यूज करेंगे MR100, यहाँ से आप इस कोड को आप लोग सजेस्ट भी करेंगे और इस कोड के साथ आप गजब तरीके से मूव कर जाएंगे, ओके। चलो नेक्स्ट में बात करूँगा कल आपका सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स का 10 बजे आपका टेस्ट होगा, और ये अनकेडमी सब्सक्रिप्शन जो कि प्लस और आइकोनिक की फीस स्ट्रक्चर है वो मैं जस्ट आपको बता देता हूँ, दिस द फीस स्ट्रक्चर ऑफ द आइकोनिक, दिस द प्लस, ठीक है। तो जो भी फीस स्ट्रक्चर है तो इनके साथ 12 मंथ का ज्वाइन करते हैं तो EMI पे बेस पे लेना चाहते हैं तो आपको 4704 आपको पे करना पड़ेगा, और आप 12 मंथ का लेना चाहते हैं तो आपको EMI बेसिस पे तो आपका 2704 रुपये लगेगा, ठीक है। ये EMI की भी सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है, तो यू कैन यूज माई कोड MR100, यहाँ से प्रॉपर तरीके से मूव कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये आई प्लस की फीस है, तो आप लोग जो भी प्लस 12 मंथ के साथ मूव करेंगे वहाँ पे 29 पे करना पड़ेगा, और अभी करंट में एक और ऑफर चल रहा है जहाँ पे आपका 10% का और डिस्काउंट हो जाएगा, तो 26 के आसपास आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। दे यू कैन यूज माई कोड, तो वहाँ से 10% का आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन और डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। ये आपका CRE चल रहा है 945 पर, मास ट्रांसफर ऑपरेशन कल आपका प्लस पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये 3 महीने से चल रहा था, ठीक है, जिसमें एवरी वीक लगभग 20 क्लास तो मैंने ली है, ठीक है, 15-20 क्लास, तो ये कल आपका मास ट्रांसफर ऑपरेशन खत्म हो रहा है, ठीक है ना। रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, या उसमें मैं IPC स्टार्ट कर रहा हूँ दिसंबर में, तो जो लोग भी प्लस के साथ मूव कर रहे हैं यू कैन यूज माई कोड MR100, वहाँ से आप ज्वाइन करेंगे तो मेरी गाइडेंस में आप काम करना स्टार्ट कर देंगे, और IPC स्टार्ट करूंगा मैं रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस में तो वो आपकी दिसंबर में स्टार्ट होगी, तो वहाँ से गजब तरीके से मूव कर सकते हैं, ओके। कोई भी डाउट आने से आप जस्ट कांटेक्ट में रहते हैं तो प्रॉपर तरीके से आप लोग मूव कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप सारे लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है, वहाँ पे मैं सारे असाइनमेंट देता रहता हूँ, और कल रेडी रहना मॉर्निंग में 10 बजे, ठीक है। सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट टच दूंगा, उसके बाद मैं कुछ IPC के स्पेशल टॉपिक्स आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा उसमें, ठीक है। चलो फिर आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक। चलो फिर थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते जाओ। सर मैथ्स में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, मैथ्स पढ़ते चले जाओ, मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैथ्स को आप लोग डिवाइड कर लो, लगभग 1.5 घंटा डेली पढ़ना है मैथ्स, मैथ्स डेली पढ़ो, एप्टीट्यूड आधा घंटा डेली पढ़ना है, ठीक है, डिवाइड कर लो, ठीक। और सारे जितने भी अदर ब्रांचेस के होते हैं ना सब्जेक्ट, वो सारे लोग लगा लो, बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। HK दास की एक बुक आती है तो उसको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक। चलो भाई थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, है ना, सेशन को फिर एंड करते हैं ना, कल मिलते हैं मॉर्निंग में 10 बजे।